नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज। एक खबर जगदीशपुर से निकल कर रही है कि तिया थाना क्षेत्र के तिया गांव में 12 वर्षीय बच्ची अंशु कुमारी को जलाकर मारने की घटना में अंशु को पटना में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो जाने के बाद रविवार को शव आते ही ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। रविवार की सुबह 7 बजे सैकड़ों की संख्या में आक्रोश ग्रामीणों ने लिव बाना को घेर लिया और एल्स के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतका अशु के शव को बाना के सामने सड़क पर रखकर आगजनी करते हुए विविध को ठप कर दिया, जिससे सड़क मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। ग्रामीणों की मांग की कि अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, मृतका के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और तिया थाने में पदस्थापित एएसआई हरिवंश सिंह उर्फ चौहान सिंह को सस्पेंड किया आए। मृतका के परिजनों समेत ग्रामीणों का आरोप था कि पटना के बाद उक्त एएसआई ने पैसे ले देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और आरोपितों को भगाने में मदद की। ग्रामीणों के भारी आक्रोश को देखते हुए जगदीशपुर एसडीपीओ राजीव चंद सिंह, जगदीशपुर के इंस्पेक्टर शेखर चौधरी, बिहिया के इंस्पेक्टर कमलेश्वर कुमार, बिहिया सीओ सुशील कुमार अध्याय दल बल के साथ पहुंचे। डीआईयू बनाध्यक्ष शंभुभक्त सड़क जाम कर बिहिया थाना के दरोगा राजेंद्र राम चंदवाई थानाध्यक्ष के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने कुलाने का प्रयास किया था। शव को दाह संस्कार के लिए भेजने की बहुत कोशिश की परंतु लोग नहीं माने। इस बीच शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी व जिला परिषद अध्यक्ष आशा देवी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों तथा पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत को, परंतु लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। बाद में विधायक के पहल पर भोजपुर एसपी से मोबाइल पर वार्ता करने व कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोग माने तथा वाने का घेराव कर दिया गया है। पहर लगभग 2:30 बजे स्थिति शांत हो पाई। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन अशु के शव को दाह संस्कार के लिए लेकर चले गए। हालांकि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं हो सका। बाद में विधायक राहुल तिवारी ने पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन दिया। अभियुक्त की गिरफ्तारी और अन्य विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में तथाकथित लापरवाही बरतने बने पदाधिकारी को आरा कोर्ट में क्लोज करके लगा दिया गया है और उनकी जगह अशोक कुमार सिंह को तिया थाना में पदस्थापित। उसमें हमें काफ़ी उपलब्धि तिया थाना में मिल गई है। उसमें जो मुख्य अभियुक्त जो लड़की थी, खुशी नाम होता है, वो जो ले गई थी इसको, लड़की को, तो उनके घर वाले दोनों अगल बगल के रहने वाले हैं और जो प्राथमिक रूप से ये था कि साथ जला के मारा गया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम है जो वहाँ पर गांव वाले देखे भी थे, जो पुलिस वाले भी बॉडी को अपने इंक्वेस्ट कराए थे, तो इसको पूर्णतः जलाने का मामला तो नहीं था, लेकिन यह है कि इसमें क्रूरता की गई थी क्योंकि अब किस वजह से उसको जो है मारने की कोशिश की गई, अभी उसका तो गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इसमें जो आयरन होता है जो उससे कपड़ा प्रेस किया जाता है, तो उस आयरन से जो है 2-3 जगह बॉडी पे जलाया गया था और गला दबाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद वो लड़की जो है जख्मी हो गई थी और उसके बाद अभियुक्त के परिवार के ही जो है बल्कि एक बुजुर्ग थे और जो अधिगढ़ थे, इन लोगों ने मिलकर ही आरंभ में जो है पटना मिला जिसका 3-4 दिन करवाया और इन्होंने जो आरंभ में 2-3 दिन तक FIR नहीं दिया था। 5 तारीख की घटना थी लेकिन 9 तारीख को जो है पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिया गया और उसके बाद जो है कल जो है लड़की की डेथ हो गई। उसके बाद ये लोग थाना पे हंगामा भी किए थे और फिर उन्होंने ये मांग की कि पुलिस जल्दी से जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करे, तो लड़की और उसका परिवार जो है उसी दिन से जो है ये अभी फरार है। इनका कुछ लोकेशन मिला हुआ हमारी टीम रात में गई थी और कुछ सफलता लगभग हम लोग करीब भी हैं, अभी सूचना मिली हुई, तो बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी करने के बाद पूछताछ में यह मामला सामने आ पाएगा कि जकली किन वजहों से जो है उस लड़की की हत्या जो है इसकी लड़की जो दोस्त थी उसने और उसके परिवार वालों ने की है, तो उसके बाद ही इसका जो है अभ्यर्थन होगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। एक घंटा से यहाँ पे परिजन रोड जाम किए हुए हैं, क्या कुछ सामने निकल गया है? अब तो पुलिस एक्शन ली है और जिस परिवार पे इल्ज़ाम लगा है उस परिवार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई है। हम लोग अपने तकनीकी तौर पे जहाँ जैसे गिरफ्तारी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। केस दर्ज कर लिया है इन लोगों ने और एक दरोगा के खिलाफ, छोटा दरोगा यहाँ पर, उनके खिलाफ काफ़ी लोग शिकायत पहले भी मिल रही थी और आज भी लोग शिकायत की। पुलिस अधीक्षक जो भोजपुर के हैं उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, नए दरोगा का यहाँ पोस्टिंग भी कर दिया है, वो भी हम लोग की बात सुन और आगे गिरफ्तारी करके जो कानून के तरीके से जो सज़ा मिलना है वो तो मिलेगा ही। परिजनों के मुआवजा की भी मांग थी, मुआवजा में जो सरकार का प्रावधान है उस सरकार के प्रावधान में जो भी मुआवजा होगा इस परिवार को मिलेगा, इसके अलावे भी अपने तरफ से हम लोग जो है मुआवजा इस परिवार को देंगे। इस किस एंगल से इस हत्या को आप देख रहे हैं? अब फॉरेंसिक टीम आई थी, पुलिस है, ये जांच करेंगे तो एंगल ये बताएंगे। जब कोई लड़की की गिरफ्तारी होनी है, जो लड़की को बुला के ले गई थी, उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वो जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। बाकी पुलिस बताएंगे गिरफ्तारी होने के बाद किस देह से उनकी हत्या हुई है, क्यों की गई थी, वो
वो गिरफ्तारी के बाद ही पता चला। हमारे जो लड़की यहाँ से पिकनिक मना के जा रही थी स्कूल से, तो कोई बताया है कि मतलब उस लड़की खुद बताइए प्रभारी जी से, मैं इसको घर लाया हूँ और पानी से छपाका मारा हूँ। कौन लड़की लेके गई थी उसे? जो दुर्गा देवी का लड़की है, खुशी देवी, वही ले गई इसको पकड़ के। शादीशुदा है वो लड़की जो ले गई थी? शादीशुदा नहीं, जो ले गई थी लड़की वो शादीशुदा थी? नहीं नहीं, शादीशुदा नहीं है। इससे कोई सामान नहीं थी, कोई टेंशन झगड़ा लड़ाई कोई नहीं थी, ठीक है जी। इधर देख के आप बोलिए। उसके बाद जो डॉक्टर है, भोला डॉक्टर, दवाई सुने करने आ रहे थे, तो दो चार आदमी ऐसे गांव के देखे थे, शंका कर दिए, कोई पूछ दिए मेरे पिताजी से कि गलती हो गया, मैं आपका बोल पर रहा हूँ। तो मेरे पिताजी बोले कौन सी गलती हो गई? तो बोले कि एक आपका नातिन जैसा लड़की हमारे दरवाजा पर गिरी है, उसको बीमारी हो रहा होता है क्या? ये गए पंचायत भवन के पास, तो बोले कि कहाँ है मेरी नातिन? तो बोले कि चलो अंदर है। तो अंदर गए तो बोले दूताला पे मेरे देखे पिताजी, तो दिमाग काम नहीं कर रहे थे। फिर आया नीचे गते गते उतर के, उतरने के बाद में अपने पब्लिक से बताया, वो लोग दरवाजा बंद कर दिए। जला उला हुआ कहीं पाया गया? हाँ, जा रहा है ये सब, जा रहा है ये घेटी ईठा गया है, ये सब पूरा मतलब बुरी तरह से। आखिर क्यों ऐसा किया? क्या पूर्व में आपके साथ विवाद था उस घर से आपका? नहीं सर, हम लोग कोई विवाद नहीं था, पूछ लिए पूरा गाँव से पूछ लीजिए। तो आखिर घटना क्यों अंजाम दिया गया? भगवान जे, वो अन्याय तो वही दिलाएंगे थाना पर। फिर आपने क्या किया उसके बाद? हम लोग किए थे अपने दवाई बीरों में, सब इधर उधर से आए, लेट हो गए, अभी अकेले आदमी थे। नहीं आप थाना पर भाई छे को आए तो क्या, कहाँ थी लड़की आपके? हमारी लड़की पटना थी, पीएम से जुम बनते थे। तब मैं आया था यहाँ दरखास्त लिखवाने के लिए, तो मैं कल जा रहा था बिहिया, तो पता लगा कि डेट का गई, तो मैं उधर से आ गए, मैं तो देख नहीं पाया। क्या मांग है आप लोगों की, क्या प्रशासन से आते हैं? हमारे लोग की मांग है ये कि जैसे मेरी लड़की का हुआ है ऐसे अन्याय दिलाना चाहिए, भले फांसी को उसको चढ़ा दो, मेरी मजबूर है। चट्टान सर की जो बात आ रही है, चट्टान साहब के यहाँ से 25,000 रुपए लिए है, घूस खाए है। किन से? उससे दुर्गा देवी से, दुर्गा देवी का आरा ले गया है, पता ना क्या करने के लिए यही भगाया है। कब ले गया थे आरा? ये ले गया था करीब 7-8 तारीख के ले गए थे, ठीक है जी। मैं आके पूछा था कि वो कहाँ गई, ये लोग बोले कि हम लोग उसको दरवाजा पे छोड़ दिए, हम लोग 5 दिन तुम्हारे लिए बंद के रखेंगे क्या? तो हम लोग घर पे आदमी नहीं थे, अब आदमी आएंगे तभी तो कोई काम होगा। अब एक मेरा भाई था मुन्ने नाम का, एक मेरी घरवाली थी पटना में लेके भर्ती थी, अब धीरे धीरे लोग आए। आप आज सड़क जाम किए हैं, कब तक तो सड़क जाम रखेंगे आज? जब तक अन्याय के नहीं मिलेगा तब तक जाम रहेगी जी। मतलब अभी अन्याय एट ए टाइम तो नहीं मिलेगा? नहीं अभी नहीं टाइम। तो उसके लिए क्या करेंगे, कब तक रखेंगे आप लोग बॉडी को? बड्डी के हम लोग रखेंगे अभी 2-4 घंटा, जब तक अन्याय नहीं मिलेगा। वरीय पदाधिकारी की मांग कर रहे हैं आप लोग जी? ठीक, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मिल्लू सिंह। हमारे जो लड़की यहाँ से पिकनिक मना के जा रही थी स्कूल से, तो कोई बताया है कि मतलब उस लड़की खुद बताइए प्रभारी जी से, मैं इसको घर लाया हूँ और पानी से छपाका मारा हूँ। कौन लड़की लेके गई थी उसे? जो दुर्गा देवी का लड़की है, खुशी देवी, वही ले गए इसको पकड़ के। शादीशुदा है वो लड़की जो ले गई थी? शादीशुदा नहीं, जो ले गई थी लड़की वो शादीशुदा थी? नहीं नहीं, शादीशुदा नहीं है। इससे कोई सामान नहीं थी, कोई टेंशन झगड़ा लड़ाई कोई नहीं थी, ठीक है जी। इधर देख के आप बोलिए। उसके बाद जो डॉक्टर है, भोला डॉक्टर, दवाई सुने करने आ रहे थे, तो दो चार आदमी ऐसे गांव के देखे थे, शंका कर दिए, कोई पूछ दिए मेरे पिताजी से कि गलती हो गया, मैं आपका बोल पर रहा हूँ। तो मेरे पिताजी बोले कौन सी गलती हो गई? तो बोले कि एक आपका नातिन जैसा लड़की हमारे दरवाजा पर गिरी है, उसको बीमारी हो रहा होता है क्या? ये गए पंचायत भवन के पास, तो बोले कि कहाँ है मेरी नातिन? तो बोले कि चलो अंदर है। तो अंदर गए तो बोले दूताला पे मेरे देखे पिताजी, तो दिमाग काम नहीं कर रहे थे।
फिर आया नीचे गते गते उतर के, उतरने के बाद में अपने पब्लिक से बताया, वो लोग दरवाजा बंद कर दिए। जला उला हुआ कहीं पाया गया? हाँ, जा रहा है ये सब, जा रहा है ये घेटी ईठा गया है, ये सब पूरा मतलब बुरी तरह से। आखिर क्यों ऐसा किया? क्या पूर्व में आपके साथ विवाद था उस घर से आपका? नहीं सर, हम लोग कोई विवाद नहीं था, पूछ लिए पूरा गांव से पूछ लीजिए। तो आखिर घटना क्यों अंजाम दिया गया? भगवान जरे वो अन्याय तो वही दिलाएंगे थाना पर। फिर आपने क्या किया उसके बाद? हम लोग किए थे अपने दवाई बीरों में, सब इधर उधर से आए, लेट हो गए, अभी अकेले आदमी थे। नहीं आप थाना पर भाई छे को आए तो क्या, कहाँ थी लड़की आपके? हमारी लड़की पटना थी, पीएमसीएच में पढ़ते थे। तब मैं आया था यहाँ दरखास्त लिखवाने के लिए, तो भाई कल जा रहा था बिहिया तो पता लगा कि डेट का गई, तो मैं उधर से आ गए, मैं तो देख नहीं पाया। क्या मांग है आप लोगों के, क्या प्रशासन से आते हैं? हमारे लोग की मांग है ये कि जैसे मेरी लड़की का हुआ है ऐसे अन्याय दिलाना चाहिए, भले फांसी को उसको चढ़ा दो, मेरी मजबूर है। चट्टान सर की जो बात आ रही है, चट्टान साहब के यहाँ से 25,000 रुपए लिए है, घूस खाए है। किन से? उससे दुर्गा देवी से, दुर्गा देवी का आरा ले गया है, पता ना क्या करने के लिए यही भगाया है। कब ले गया थे आरा? ये ले गया था करीब 7-8 तारीख के ले गए थे। ठीक है जी, मैं आके पूछा था कि वो कहाँ गई, ये लोग बोले कि हम लोग उसको दरवाजा पे छोड़ दिए, हम लोग 5 दिन तुम्हारे लिए बंद के रखेंगे क्या। तो हम लोग घर पे आदमी नहीं थे, अब आदमी आएंगे तभी तो कोई काम होगा। अब एक मेरा भाई था मुन्ने नाम का, एक मेरी घरवाली थी पटना में लेके भर्ती थी, अब धीरे धीरे लोग आए। आप आज सड़क जाम किए हैं, कब तक तो सड़क जाम रखेंगे आज? जब तक अन्याय के नहीं मिलेगा तब तक तो जाम रहेगी जी। मतलब अभी अन्याय एट ए टाइम तो नहीं मिलेगा? नहीं अभी नहीं टाइम। तो उसके लिए क्या करेंगे, कब तक रखेंगे आप लोग बॉडी को? बड्डी के हम लोग रखेंगे अभी 2-4 घंटा जब तक अन्याय नहीं मिलेगा। वरीय पदाधिकारी की मांग कर रहे हैं आप लोग जी? ठीक, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मिल्लू सिंह। सर घटना क्या क्या मिला वहाँ पे? हाँ हम लोग कल भी गए थे, आज भी गए हैं और कुछ चीज़ें मिली हैं, अब अनुसंधान करेंगे। अभिन अनुसंधान के लिए अभिन मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ, तो बाद में आपको बता दिया जाएगा। हमारा मेन अभी फोकस है कि अब जल्द जल्द गिरफ्तार। 7 घंटा सर सड़क जाम हो गया, क्या निदान निकला है, निकल कर आया है, अभी पब्लिक को क्या बताएंगे? नहीं नहीं, पब्लिक से तो हम बार बार, हम कल भी आए, हमने पूछा उनसे कि क्या है, कोई आग हम प्रूफ दीजिए, कहाँ पर भी है कुछ आपको मिलता है तो बताइए। बाकी जो नंबर्स मिले उसको हम लोग लगातार उस पर ट्रेस कर रहे हैं और फिलहाल सूचना बताया है, उसका लोकेशन कुछ मिला था हम अभी नहीं बता सकते हैं, और उस पर हमारी एक टीम ऑलरेडी चली गई है, आई है, बाकी भी सब फोन नंबर्स दी है, इसलिए आप अगर निकाल रहे हैं और हम जल्द से जल्द उस पर। बॉडी हटाने के लिए मान गए हैं लोग जी? अब इसमें जो जो भी हमने सारे इनके जो शिकायतें थीं, जो इनके वो हम लोगों ने सुना है और उस पर हम लोग सब बिल्कुल कार्य कर रहे हैं, और मेन पहला डिमांड तो यही था कि इसका सही जांच हो, उसके लिए मैंने आश्वस्त किया कि आप हम पे छोड़ दीजिए, इसमें कहीं भी कोताही नहीं होगी, जो भी कल्प्रिट होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और बिल्कुल जस्टिस इंश्योर किया जाएगा। और कुछ मुआवजा की मांग थी, स्थानीय जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मैंने बात कराया, अगर कुछ हो सकता है तो वो लोग कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे, माननीय विधायक जी भी उन्होंने बोले हैं अपने स्तर से भी कुछ हो सकता है तो देंगे। और एक पदाधिकारी के खिलाफ जो शिकायतें थी, इसको तुरंत हमने सूचना हम अभी इसके बाद से जाके विस्तृत जानकारी हम एसपी साहब को देंगे और कार्रवाई जो होगा लिया जाएगा। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अगर इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।